भारत माता की, भारत माता की। परम आदरणीय पूज्य साध्वी समाहिता जी, आदरणीय मंचासीन संजना जी, आदरणीय शशि जी, सभागार में उपस्थित हमारे बंधु आदरणीय ओम प्रकाश जी, आदरणीय प्रतिमा जी, और इस सभागार में उपस्थित सभी अलग अलग जगह से पधारी मेरी सभी बहनें बंधुवर, आज प्रातः काल से हम लोगों ने दो सत्र सुने। पहला विषय हमारा था भारतीय चिंतन में महिला। दूसरा सत्र जो हमने सुना वो चर्चात्मक सत्र था, जिसमें हमारे आसपास में, हमारे खुद के प्रांत में, हमारे इस विभाग में रहने वाली जो बहनें हैं वो किन किन समस्याओं का सामना कर रही हैं अपने अलग अलग कार्य क्षेत्र में, उसकी हमने चर्चा की। हमारे मन में जो प्रश्न थे, जो जिज्ञासा थी, वो हमने अपनी बहनों के सामने रखी और वहाँ से कुछ न कुछ हमें उसका समाधान भी, या हम उसमें आगे क्या कर सकते हैं, ऐसा इन दो सत्रों में हम लोगों ने चर्चा की। इसका उद्देश्य क्या था? ये दोनों विषय जो हम लोगों ने सुने, वो पहला विषय जो था भारतीय चिंतन में महिला, उससे हमें ये स्पष्ट हुआ कि हमारे वैदिक काल में, या जहां हमारा ओरिजिन था, उससे हमें किस प्रकार हम आए, आगे बढ़े, हमारा चिंतन कैसे आगे बढ़ा, और हमारा चिंतन था क्या, वो हमें स्पष्ट हुआ। क्योंकि जब हमें ये स्पष्ट नहीं होगा कि हमारा भारतीय चिंतन महिलाओं के बारे में क्या सोचता है, तो आगे हम उस चीज को नहीं बढ़ा सकते। वो सारा स्पष्ट होने के बाद अब हमारा जो विषय है, भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका, अब हमें क्या करना है। हमें ये स्थिति तो पता लग गई कि हम क्या थे और कहां से आए और कैसे आए, और अब हमारी क्या जिम्मेदारी है इस विषय को सुनने के लिए अब यहाँ हम सभी एकत्रित हुए हैं। मैं सबसे आग्रह करूंगी, निवेदन करूंगी कि हम सब जो पूरा दिन हमने दिया है, सिर्फ यहाँ इकट्ठा होने के लिए नहीं दिया, ये एक तपस्या है, एक संकल्प लेने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो जो समय हमने ये दिया है यहाँ, उसको हम ध्यान से सुने और कुछ चीजें जो करणीय कार्य है से, सबसे निवेदन है कि मेरी बात को आप ध्यान से सुने। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, मुझे पता है कि आपने 8 बजे 9 बजे से आप घर से निकले हैं, आपका समय बहुत कीमती है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, कम समय में मैं अपनी बात रखने का प्रयास करूंगी। तो सबसे करवद्ध निवेदन है कि विषय को थोड़ा सा ध्यान से सुने और जल्दी ही भोजन के लिए आप लोगों को जाने का समय दे दूंगी। हम भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका, सबसे पहला शब्द है भारत। भारत यानी कि भा मतलब तेज, ज्ञान, और रत का अर्थ है दीन रहना, तेजस या ज्ञानी, ऐसा भारत का शब्द का अर्थ है, भारत के नाम का अर्थ है। वो इतना श्रेष्ठ है और उसकी हम नारी है, उस भारत के हम नागरिक है, तो सबसे पहले तो हमें अपने इस भारत वर्ष पे, अपने इस भारत देश पर गर्व है। और उसमें भी हम, ये दिल्ली का अपना सम्मेलन है, दिल्ली यानी कि भारत का दिल, सब लोग कहते हैं ना दिल्ली वाले दिल वाले हैं, तो इसलिए एक बार जोरदार ताली से हम सब दिल्ली वाले हर जगह अपनी भूमिका किसी ना किसी परिवर्तन में या निर्णायक में अपनी भूमिका रखते हैं। तो यहाँ हम अब जो ये सम्मेलन हो रहे हैं,
हमारा ये पांचवा सम्मेलन है और हम ऐसा कुछ यहाँ से तय करें कि पूरे भारत में इसकी गूंज जाए और सब लोग उसको उसका अनुसरण करें। दूसरा हमारा अर्थ शब्द है विकास। विकास यानी कि क्या? विकास व्यक्तित्व का विकास, खुद का विकास, अपना विकास, यानी कि शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, इन सब का विकास होगा तभी हम आगे कुछ कर सकेंगे। और उसमें भी पंचकोशीय विकास। पंचकोशीय में क्या क्या आता है? अन्नमय विकास, प्राणमय विकास, मनोमय विकास और आनंदमय विकास। ये सूक्ष्म विकास है जो स्वयं को डेवलप करने के लिए, खुद के अंदर चेंज करने के लिए आदमी को प्रयास करने पड़ते हैं। माननीय पंडित दीनदयाल जी का कहना था कि अंत्योदय की उनकी कल्पना थी, यानी कि विकास कहाँ तक? जो अंतिम व्यक्ति है, जब उसके जीवन में विकास होगा, उसका संपूर्ण विकास होगा, तभी हम विकास को मानेंगे। और विकास, हमारी जो संस्कृति है वो अपना विकास से पहले परिवार का विकास, समाज का विकास, देश का विकास, और सिर्फ देश तक की ही नहीं, विश्व तक की कल्पना करती है। तो विश्व तक का विकास, ऐसी अपनी सोच है। और विकास का एक अर्थ ये भी है कि कैसा विकास? समग्र विकास। समग्र में संपूर्ण विकास, जिसमें सामाजिक विकास, राजनैतिक, वैचारिक, आर्थिक, शैक्षिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, कृषि में विकास, क्रीड़ा में विकास, कला में विकास, साहित्य में विकास, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि सभी क्षेत्रों में विकास, तभी संपूर्ण विकास होगा। और अपनी जो भारतीय नारी या हमारे यहाँ जो है, हर क्षेत्रों में महिलाएं आज भी श्रेष्ठ काम कर रही हैं, लेकिन जितना करना चाहिए, जितना आगे आना चाहिए, उतना नहीं है। तो इसके लिए हम सबको प्रयास करना है। ये जो सम्मेलन बुलाने का अर्थ है या यहाँ जो चर्चाएं हो रही है, वो इसीलिए कि हम स्वयं से तो आगे बढ़े हैं। अभी जो इस सभागार में उपस्थित लोग हैं, कोई टीचर है, कोई वैज्ञानिक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई समाज सेविका है, कोई बस्ती सेविका है, अलग अलग क्षेत्र अलग में काम करने वाली बहनें हैं। लेकिन इसमें और अधिक लोगों को जोड़ना है और अधिक बहनों को आगे लाना है, तभी विकास हो सकेगा। ये जो इतनी संख्या है या पूरे भारत में जितनी बहनें अभी घर से परिवार को संभालते हुए काम कर रही हैं, वो संख्या पर्याप्त नहीं है। तो हमें हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अपनी बहनों को आगे बढ़ाना है, उनको सहयोग करना है। तो ये इन सम्मेलनों का उद्देश्य है कि हम स्वयं तो आगे बढ़े, साथ में अपने साथ जुड़ी हुई बहनों को भी आगे बढ़ाएं, उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें। हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से हमारा जैसा इतिहास है, इससे पहले भी हमने सुना, भक्ति में भी मीराबाई का सबने नाम सुना है, पन्ना धाय, कितना बड़ा त्याग था उनका, उन्होंने बलिदान दिया, तो कितनी श्रेष्ठ चिंतन था कि अपने राजा को बचाने के लिए, अपने होने वाले राजा को बचाने के लिए, अपने समाज और राष्ट्र की रक्षा के लिए उन्होंने अपने पुत्र का बलिदान तक किया था। इसी प्रकार पर्यावरण में आपने सबने सुना है अमृता देवी का नाम, राजस्थान की अमृता देवी बिश्नोई समाज से थी, खुद और उनकी बेटी किस प्रकार से उन्होंने वृक्षों को, यानी कि पर्यावरण को, हमारी भारतीय संस्कृति कितनी श्रेष्ठ थी कि उन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना और बिश्नोई समाज के 365 लोगों ने अपना बलिदान दिया था वृक्षों को बचाने के लिए। सिर कटे रुख रहे तो भी सस्ता जान, ये उन्होंने ही दिया था, अपना सिर कट जाए और इतने लोगों का बलिदान दिया और उसके बाद भी उन्होंने वृक्षों की रक्षा की थी। तो इस प्रकार का इतिहास है हमारा। और सिर्फ इतिहास ही नहीं, आज के जो रोज की मर्रा की देखने वाली उदाहरण है, उसने भी दीपा मलिक का नाम हम सबने सुना है, पैरा ओलंपिक में किस प्रकार उन्होंने विकलांग होने के बाद भी अपने भारत का, अपने देश का नाम रोशन किया। इसी प्रकार गीता फोगाट, बबीता फोगाट आप सबने सुना, खेल के क्षेत्र में उन लोगों का नाम है, पीटी उषा इतनी बड़ी अपनी हो रही हैं, उनका नाम हम सबने सुना। इसी प्रकार अभी कुछ ही समय पहले वैज्ञानिक अपनी रॉकेट वुमेन के नाम से जानी जाने वाली रीता करीथल, आप लोगों ने ऋतु करीथल जो
लखनऊ की हैं, वो सब हम लोगों ने प्रत्यक्ष उदाहरण देखे। तो इस प्रकार से सिर्फ ये नहीं कि इतिहास में ही, आज भी वर्तमान में बहुत ऐसी महिलाएं हैं, उदाहरण हैं पूरे देश में, जिन्होंने छोटे छोटे प्रयास से अपने देश का, अपने समाज का और राष्ट्र का नाम रोशन कर रही हैं। इसी कुछ करणीय कार्य, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कुछ करणीय कार्य हम आपके सामने, मैं आपके सामने बताऊंगी, आप संकल्प लेके जाएं कि हमें इनमें से जो भी कार्य मैं कर सकती हूं वो मैं करूंगी। जैसे स्वयं के विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने परिवार में भारतीय विचार, भारतीय जीवन मूल्य, मातृभाषा, देशभक्ति के संस्कार बच्चों को देना, ये कितना सहज और सरल है, लेकिन आज इसका भी अपने परिवारों में अभाव है। तो क्या हम इस छोटे से काम को अपने परिवारों में नहीं शुरू कर सकते? अवश्य कर सकते हैं, लेकिन ये कृति, ये इसको किस तरह से करना, वो पहले हमें अपने जीवन में उतारना होगा, क्योंकि सिर्फ शब्दों से परिवर्तन नहीं होता, अपने व्यवहार में जो हम करते हैं उसी को देख के हमारे बच्चे अनुसरण करते हैं। इसी प्रकार सामाजिक विकास में हमारी क्या भूमिका रह सकती है, पर्यावरण जिसमें जल, जानवर, जमीन, जंगल, इनके संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं, छोटा सा काम है, पानी की बचत करना, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना, उसकी जगह अपने थैले या ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना, छोटे छोटे किचन गार्डन डेवलप करना, जैविक खाद का इस्तेमाल करना, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र की बहनें हैं तो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से हम अपने जीवन में परिवर्तन करके सामाजिक परिवर्तन में अपना सहयोग दे सकते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय संपत्ति का संरक्षण करना, जैसे बिजली, जल, सड़क, सार्वजनिक वाहन, ऐतिहासिक स्थल, हम इन जगहों पे छोटी छोटी बचत करके और लोगों को जागरूक करके भी समाज में सहयोग कर सकते हैं। देश के अभियानों में सक्रियता से भाग लेना, जैसे स्वच्छता अभियान, सड़क सुरक्षा अभियान, पोषण अभियान, पोलियो अभियान, ये इस प्रकार से जो समाज और राष्ट्र के हित में अभियान शुरू किए जा सकते हैं, हम भी उसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इसी प्रकार से अपने आसपास में बहुत सारे जैसे अनाथ आश्रम है, वृद्धा आश्रम है, दिव्यांग आश्रम है, इस प्रकार के आश्रम खुले होते हैं, तो क्या हम उनमें जाते हैं, उनमें कोई मदद करते हैं, और या अपने आसपास की बहनों को उनमें जाने के लिए आग्रह करते हैं? तो ऐसे भी कामों में सहयोग करके हम समाज में, समाज के विकास में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो मैं आपको अभी ये कुछ काम बता रही हूँ, उसमें से कोई भी एक काम आप अपनी योग्यता, क्षमता और अपनी समय के अनुसार चुन सकते हैं, और बाद में ये संकल्प ले कि मैं इनमें से आज से ही जाने के बाद एक काम अवश्य अपने लिए चुनती हूँ और करूंगी। इसी प्रकार से हम कई बार ये कहते हैं कि आजकल समाज में बहुत सारी बच्चे बात नहीं मानते, या इस प्रकार की भावना डेवलप हो रही है, छात्रावास बच्चे सुनते नहीं है, शादी की एज निकलती जा रही है, सामाजिक ताना बाना खराब हो रहा है, परिवारों का विघटन हो रहा है, तो इसके लिए क्या हम काउंसलिंग में मदद कर सकते हैं? अगर हम हमारी योग्यता क्षमता उस योग्य है, हमने कुछ इस तरीके के कोर्स किए हुए हैं या कर सकते हैं, या हमारी स्किल इस तरीके की है कि हम लोगों को अच्छे से बात को समझा सकते हैं, तो हम अपने छात्रावासों में जाकर युवक युवतियों से मिलकर उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं क्या? विवाह से पूर्व की काउंसलिंग, विवाह के बाद की काउंसलिंग, छोटे बच्चों के लिए जो मिडिल एज के होते हैं, करियर काउंसलिंग, इस तरह में सहयोग दे सकते हैं क्या? इसी प्रकार से सामाजिक समरसता के लिए अभी भी कहीं कहीं पे जाति भेद, प्रांत भेद, या परिवारों में महिलाओं के साथ में समान व्यवहार नहीं किया जा सकता, तो ऐसे हम क्या उसमें भूमिका अपनी निभा सकते हैं? एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। उषा चौमार जी जो अलवर की हैं, 7 वर्ष की आयु से ही वो मैला सिर पे उठाती थी, और जब शादी हुई, 12 साल की आयु में उनकी शादी हो गई, उस समय भी उनको उसी तरह का काम करना पड़ा। तो उनके मन में ये था कि मैं क्यों ऐसा करूं, ये काम ठीक नहीं है, आज सब कुछ परिवर्तन हो रहा है तो फिर भी अभी भी मैला उठाने का काम मुझे दिया जा रहा है। तो उसने उसका विरोध किया, संघर्ष किया, अपने साथ जो इस तरह का काम और बहनें कर रही थी उनको इकट्ठा किया,
और उसके विरोध में जगह जगह उन लोगों ने बात की, तो उसके बाद सुलभ शौचालय के जो प्रमुख थे उनसे उन्होंने बात की और सब ने मिलकर इस बात के लिए पूरे उसमें संघर्ष करने के बाद में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। लेकिन उसके लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी, अपनी आवाज उठानी पड़ी और इसके लिए संघर्ष करना पड़ा। तो मेरा ये कहना है कि जो ऐसी छोटी छोटी कुरीतियां होती हैं उसके लिए हम इकट्ठे हों, उन कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाएं और संघर्ष करेंगे, करना ही पड़ेगा अगर कोई ऐसी समस्या है तो ऐसी समस्याओं को समाज से बाहर निकालना, ऐसी कुरीतियों के लिए लड़ना, तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी योग्यता क्षमता की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आवश्यकता होती है चीजों को समझने की और आवाज उठाने की। तो अभी तो हम लोगों को बहुत अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म से मिले हुए हैं, हम उसमें अपनी बातों को रख सकते हैं। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के दान होते हैं, जैसे रक्तदान, नेत्रदान, अंगदान, धन दान, ज्ञान दान, समय दान। तो हम इनमें से कोई भी हम करते ही हैं और आगे भी एक संकल्प लेके जो भी हम कर सकते हैं हम अवश्य करें। अगला, सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास बहुत महत्वपूर्ण है। अपने पर्व, उत्सव, त्योहार, इनके बारे में सही जानकारी खुद को लेना और उसके बाद अगली जनरेशन को किस प्रकार से देना। तो पहले हमें ज्ञात होगा उसका साइंटिफिक, उसका रीजन क्या है। हम क्योंकि आजकल के बच्चे कुछ भी आप पूछिए, जब तक आप उनको सेटिस्फाइड नहीं कर दोगे तब तक वो मानने को तैयार नहीं होते, वो क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं हमसे। तो पहले हमें खुद को सेटिस्फाइड होना, और ये भी परिस्थिति के अनुरूप होता है। जैसे जो मुगल काल बीच में था तो उस समय शिक्षा की कमी थी, तो उस समय उनको साइंटिफिक रीजन सुनने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हमारे धर्माचार्यों ने उसको धर्म से इस तरह से चीजों को जोड़ा जिससे हमारी संस्कृति आज तक विलुप्त नहीं हुई। लेकिन अब जो समय है, अब सब लोग पढ़े लिखे हैं, हर चीज का तर्क मांगते हैं, वैज्ञानिक कारण मांगते हैं। तो अब हमें अपने बच्चों को संतुष्ट करने के लिए वैज्ञानिक कारण भी देने होंगे। तो उससे देने से पहले हमें खुद को पता होना चाहिए कि हर चीज के पीछे कौन सा वैज्ञानिक कारण है। तो ये भी एक चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको ऐतिहासिक स्थल दिखाना, पुण्य क्षेत्र में बच्चों को घुमाना, ये सेवा संस्कार केंद्र चलाना, इस प्रकार से हम अपना सांस्कृतिक विकास कर सकते हैं और सांस्कृतिक विकास में हम सहयोग दे सकते हैं। इसी प्रकार अगला हमारा है वैचारिक विकास। वैचारिक विकास में देश समाज के उत्थान के लिए विशेष कार्य करने वाले जो महापुरुष हैं या महान महिलाएं हैं उनके बारे में उनकी कहानियां बताना, और आजकल भारतीय विचार प्रतिस्थापित करना, और जो वैचारिक आक्रमण हुए रहते हैं उनको उनका सही समय पर सही तरीके से जवाब देना। तो ये भी एक महत्वपूर्ण काम है। पढ़ी लिखी बहनें हैं, सोशल मीडिया पे रहती हैं, सोशल मीडिया का जमाना है आजकल, तो उसमें अपनी अपनी अपने अच्छे साहित्य को डालना, जिससे जब कोई भी कुछ पूछना हो तो क्या करेंगे, तुरंत गूगल सर्च करते हैं। जब हम गूगल पर सही जानकारी डालेंगे ही नहीं तो जो बच्चे इधर उधर से गलत जानकारियां होंगी उन्हीं को सर्च करेंगे, उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम सही जानकारियां समय पर अधिक से अधिक डालें, तो उससे फिर सही जानकारियों का ही प्रचार प्रसार होगा। भारत की गौरवपूर्ण घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं, ये हमें उसमें डालनी चाहिए। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी हम अपने उसमें काम कर सकते हैं। अच्छा आहार विहार, योग, खेल, स्वस्थ जीवन शैली, ये सब बताना और अपने जीवन में उतारना। इसी प्रकार से आर्थिक, किस प्रकार से उसमें आर्थिक में हम विकास में सहयोग कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भाव जगाना। अभी आप लोगों ने स्टॉल भी देखी कि हमें अधिक से अधिक स्वदेशी चीजों को बढ़ाना चाहिए। हमारे देश का धन हमारे ही देश में रहे, हमारे छोटे छोटे कारीगर जो इतनी मेहनत से चीजों को बनाते हैं, हमारे पर्व त्योहार आ रहे हैं, हम अधिक से अधिक उनकी चीजें खरीदें, तभी उनका 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 रोजगार बढ़ेगा और वो चीजों को बनाएंगे। हम बाहर से चीजें खरीदेंगे तो इनका व्यवसाय नहीं होगा। तो इन चीजों को हमें आगे बढ़ाना, और ये वोकल फॉर लोकल, अच्छी चीजों जो अपने यहाँ बनती हैं उत्पाद, उनका प्रचार प्रसार हमें करना चाहिए
और उनको अधिक से अधिक हमें इस्तेमाल भी करना चाहिए। सुरक्षा में हम किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, देश विरोधी जो ताकतें हैं, संगठन हैं, हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा होता है हमारे घर के आसपास में ही इस प्रकार की गतिविधियां चलती रहती हैं और हम लोग आंख बंद करके बैठे रहते हैं, तो उसमें हमें क्या करना है, हमें जागरूक रहना है। और कोई भी अगर ऐसा आपको संदिग्ध कोई चीज नजर आती है तो उचित स्थान पर उचित समय पर जाकर जरूर बताना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा ध्यान में आया कि घर के बगल में ही इतने सालों से आतंकवादियों का काम चल रहा था और घर के अड़ोस पड़ोस वालों को नहीं पता था। तो इस तरह हमें हमेशा जागरूक और सजग रहना है। इसी प्रकार महिला विषय जो विषय है, महिला जननी है, निर्मात्री है, मातृभाव है, सेवा, क्षमा, धैर्य, मैंने मल्टी टास्किंग लेडीज होती हैं, तो ये सारे जो अपने गुण हैं इनको हमें समाज और राष्ट्र के लिए किस प्रकार हम अपने गुणों को उपयोग में ला सकते हैं, ऐसा हमें अपने करना है। महिलाओं में मातृत्व, नेतृत्व, कृतित्व और भारत भक्ति। तो मातृत्व में हमें कैसा बनना है, माता जीजाबाई की तरह, नेतृत्व में कैसा बनना है, रानी लक्ष्मीबाई की तरह, और कृतित्व में कैसा बनना है, अहिल्याबाई होलकर की तरह, और भारत भक्ति में भगिनी निवेदिता की तरह, जो विदेश से तो आई लेकिन भारत की ही होकर रह गई और हमेशा भारत के लिए ही उन्होंने अंतिम श्वास ली और हर भारत की नारी को जगाने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। तो ऐसी आदर्श महिलाएं हमारे सामने हैं, हमें उनसे प्रेरणा लेकर उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर अपने भारत के विकास में जितने मैंने अभी आपको काम बताए उसमें कुछ न कुछ संकल्प लेकर जाना कि मुझे इनमें से कोई भी एक कार्य कर भी रही होंगी और जो नहीं भी कर रहे हैं तो उसमें जुड़ना, और जब कभी इतिहास में चर्चा हो या नाम आए या ना आए लेकिन मुझे ये लगे कि मैंने अपने भारत को आगे बढ़ाने में, उसके विकास में मेरी भी गिलहरी की तरह मेरा भी योगदान रहा, तो इस प्रकार से जो आप राष्ट्र निर्माण में पूर्ण योगदान मैं करूंगी ऐसा संकल्प लेकर यहाँ से जाए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं हृदय से आपका धन्यवाद करती हूँ। भारत माता की, भारत माता की।